रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुबई में जो पाकिस्तान कौंसलेट जनरल जो वो एम्बेसडर हैं, उनका आज अभी थोड़ी देर पहले लाइव जो है वो उन्होंने मैसेज दिया पाकिस्तान जो फंसे हुए पाकिस्तानी हैं दुबई में। उन्होंने कहा है कि आज हम आप लोगों को दोबारा रिपीट करते हैं कि हम लोग टिकट कितने की बेच रहे हैं, क्योंकि बाहर एजेंट जो हैं वो आप लोगों को टिकटें बेच रहे हैं, महंगी बेच रहे हैं। उसके अलावा हमने वो टिकट आपके किसी काम की नहीं होगी, आपके पैसे लेके भाग जाएंगे और आपको बताते चले। उन्होंने कहा है पूरी वीडियो देखने ताकि आप नुकसान से बच जाएँ। उन्होंने कहा है कि जो कराची से जो दुबई से कराची की टिकट का रेट है इकॉनमी क्लास का, तो उसका रेट है 810 दिरहम, और बिज़नेस क्लास का लेंगे दुबई से कराची का तो वो है 1900 दिरहम। और आपको बताते चले उन्होंने कहा है कि अगर आप दुबई से पेशावर या पंजाब की टिकट लेते हैं तो उसका रेट है 1120 दिरहम, और अगर ये इकॉनमी क्लास का रेट है, और अगर आप लोग बिज़नेस क्लास की दुबई से पेशावर या पंजाब की लेंगे तो वो 2200 दिरहम की होगी। उन्होंने कहा है कि हमने अभी तक किसी को ऑथराइज नहीं किया कि वो आप लोगों को टिकट बेच सकें, वो फ्रॉडी हैं, बल्कि पुलिस में उनकी शिकायत करें, हमें बताएं, हम लोग उनको पकड़वाएंगे, क्योंकि हम लोग PIA ऑफिशियली जो दफ्तर है वही सेल कर रहा है, और जिसको हम लोग फ़ोन करते हैं कि जिनकी बारी आती है रजिस्ट्रेशन के मुताबिक उनको फ़ोन जाता है, वही आता है PIA के ऑफिस से दफ्तर से परचेज़ करता है और वो पाकिस्तान चला जाता है। तो उन्होंने कहा इसके अलावा कोई भी शख्स जो है सेल नहीं कर रहा, एजेंट इस तरह के हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, तो इन लोगों से बचें, बल्कि इनकी शिकायत करें और पुलिस के हवाले इनको करें। बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड किया और पहले लोग इतने परेशान हैं, मज़ीद परेशानियों में पड़ जाएंगे जब इनके साथ फ्रॉड होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा पाकिस्तान कौंसलर से फ़ोन आने के अलावा किसी को कोई पैसे नहीं देने, ना बात करनी है, ना ही हमने किसी को इजाज़त दी है कि PIA की टिकट सेल करें। अपना ख्याल रखें, इस मैसेज को बाकियों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।